नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट द रिपब्लिक डे सेल के बैंक ऑफर के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि फ्लिपकार्ट का जो प्लस मेंबरशिप ले रखे होंगे वो डील को 4 घंटे पहले एक्सेस कर पाएंगे, सेल को 4 घंटे पहले एक्सेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप ले रखे हैं, इसलिए हमारे लिए जो है ये सेल लाइव हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नजर डालते हैं बैंक ऑफर के बारे में। दोस्तों इस बार जो बैंक ऑफर रखा गया है वो 2 बैंक के ऑफर रखा गया है, जो कि एक है ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरा है कोटक बैंक का डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड। दोस्तों यदि आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आप काफी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके पास कोटक बैंक का डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड है तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आप काफी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में तो बहुत सारे लोगों के पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं होगा और कोटक बैंक का भी क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, लेकिन कोटक बैंक का डेबिट कार्ड जरूर होगा, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे होगा, कहां पर होगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बैंक ऑफर में जो कार्ड पर छूट दिया जा रहा है, जो 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, वह किस तरह से दिया जा रहा है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट है प्रति कार्ड 1500 रुपए और इसके लिए मिनिमम कार्ड वैल्यू 4999 रुपए चाहिए। अगर आप 4999 रुपए से 1 रुपए कम का भी प्रोडक्ट ऑर्डर करती हैं तो आपको यहाँ पर बैंक ऑफर के तहत कार्ड पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 4999 रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर करती हैं तो आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि आपके पास कोटक बैंक का डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड है या फिर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। दोस्तों यह ऑफर 19 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक रखी गई है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम आपको बैंक ऑफर के लिए एक प्रोडक्ट को यहां पर ऐड टू कार्ड करके रखे हैं, जहां पर हम आपको बता सके कि किस तरह से आप कोटक 811 का अकाउंट का जो वर्चुअल कार्ड है उसे आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि एक वीडियो हम पहले ही बना दिए थे, बहुत दिन पहले बनाए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोटक बैंक में अपना 0 बैलेंस अकाउंट यानी 811 सेविंग अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो उसका जो वर्चुअल कार्ड है वो 100% काम करता है, लेकिन अभी जो है आप कोटक बैंक का अगर 811 अकाउंट ओपन करने जाओगे तो आपको वर्चुअल कार्ड भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, लेकिन वह सेविंग अकाउंट ओपन नहीं होता है बल्कि वॉलेट अकाउंट ओपन होता है। तो चलिए आपको हम डायरेक्ट ले चलते हैं पेमेंट पेज पर। यहाँ पर हम कार्ट में एक प्रोडक्ट को ऐड करके रखे हैं, उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं हम पेमेंट पेज पर, जहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से 800 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट यहां पर अप्लाई हो चुका है, जो कि 10% के अनुसार से डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि 7999 रुपए का ये प्रोडक्ट था जिसमें 800 रुपए का हमें इंस्टेंट डिस्काउंट बैंक ऑफर के तहत मिल चुका है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कोटक 811 अकाउंट के कार्ड के बारे में। तो चलिए यहां पर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जो कोटक 811 का जो सेविंग अकाउंट का वर्चुअल कार्ड है उसके बारे में कि यहां पर किस तरह से आप लोग डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपके कोटक 811 का जो सेविंग अकाउंट है उसका फुल KYC नहीं भी हुआ है, लेकिन आपका वह जो अकाउंट है वो जिंदा है, तो आप काफी आसानी से डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चाहे मिनी KYC हो या फुल KYC हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका जो वो अकाउंट होना चाहिए वो जिंदा होना चाहिए, यानी कि एक्टिव मोड में होना चाहिए, ताकि उस पर आप पैसा डालो और काफी आसानी से परचेस कर लो। तो चलिए यहां पर हम कार्ड नंबर एंटर करके दिखा देते हैं आपको। दोस्तों हम यहां पर कोटक 811 का जो सेविंग अकाउंट का वर्चुअल कार्ड था उसका डिटेल हमने यहां पर डाल दिया। डालने के बाद आप देख सकते हैं कि 800 रुपये जो है इंस्टेंट डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है और यहां पर 7999 रुपये का ये मोबाइल फ़ोन था, 800 रुपये डिस्काउंट हुआ, 7199 रुपये यानी कि 7199 रुपये हमें पे करना है। तो दोस्तों ये जो अभी हमने डेबिट कार्ड नंबर डाला वो कोटक 811 का 0 बैलेंस अकाउंट जो कि ऑनलाइन ओपन किया गया है और ऑनलाइन ओपन किया हुआ है और वो जो है अभी एक्टिव है, काफी आसानी से हम इस कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें हमें 800 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि सेविंग अकाउंट है। लेकिन अगर आप अभी जो है कोटक 811 का अकाउंट ओपन करेंगे तो वह एक वॉलेट अकाउंट ओपन होता है और वहां पर लिखा जाता है कि आप जैसे ही फुल KYC को कंप्लीट करेंगे आपका जो ये वर्चुअल कार्ड मिला है अभी टेम्पोररी में ये बदल दिया जाएगा। तो चलिए वो भी कार्ड नंबर हम डाल के बताते हैं क्या कुछ यहाँ पर लिखा जाता है। दोस्तों हमने यहां पर कोटक 811 का जो अभी अकाउंट आप ओपन करती हैं, जो वॉलेट अकाउंट ओपन करती हैं, उसका कार्ड नंबर हमने यहां पर डाला जो वर्चुअल कार्ड ही है, लेकिन ऊपर में आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि यह जो है सपोर्टेड नहीं है और आपको इस पर कोई भी डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिनके पास कोटक 811 का सेविंग अकाउंट पहले वाला है, जो अकाउंट को ओपन करके रखे हैं, या फिर जिनका अकाउंट सेविंग अकाउंट अभी ओपन हो जाता है, बहुत सारे लोगों का अभी वॉलेट ओपन होता है और बहुत
बहुत सारे लोगों का सेविंग अकाउंट भी ओपन हो गया है। तो अगर आप अभी ओपन करती हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर के साथ जो है आप अकाउंट को ओपन कीजिए, ताकि जो है आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाए अगर सेविंग अकाउंट ओपन होता है तो। अगर वॉलेट अकाउंट ओपन होता है तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि उस समय जब हमने वीडियो बनाया था उस समय बहुत लोगों ने यहाँ पर कोटक 811 का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया था, जो सेविंग अकाउंट में ओपन किया था। तो आप अपने परिवार में देखिए, आप अपने दोस्तों तक जाइए, वहाँ पर अगर आपको मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको लगभग जानकारी प्रोवाइड करा दिया है, इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं वही वीडियो डालता हूँ जो आप लोगों के सहायता के लिए और आप लोगों के हित में रहता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है, चाहे अभी हेल्पफुल हो या फिर थोड़ा दिन बाद हो। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इससे जुड़ी कोई भी सवाल होता है आपके दिल में तो वे ही जाकर कमेंट करें।